गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी मैं बना रही हूँ अभी के लिए लंच, क्योंकि अभी वो स्कूल जाएगा तो मैं उसको ये टिफ़िन में दूंगी। मैंने बनाया है उसके लिए पनीर पकौड़े, और साथ में है ऑरेंज फ्रूट्स में ऑरेंज दिया है मैंने। और यहाँ पर हमारे पनीर पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं, तो टिफ़िन में ठंडा करके इसको रख देंगे, गर्म नहीं रखेंगे टिफ़िन में, ठंडा करके रख देंगे। साथ में मैंने ये टोमेटो केचप का सैसे भी रख दिया है, तो अगर उसको ऐसे ही रखते खुला हुआ तो वो फैल जाता टोमेटो केचप और फिर वो नहीं खा पाता, तो पैकेट रख दिया ये मैंने, सैसे रख दिया उसका, तो वो आराम से निकाल के और खा लेगा। ज़्यादा देर के लिए स्कूल नहीं जाता है क्योंकि टाइमिंग अब स्कूल की कम हो गई है गर्मी की वजह से, तो बस जल्दी आ जाता है, तो इतना देते हैं उसको, खाना देते हैं पूरी पराठा वगैरह तो उसका वापस आ जाता है, तो मैंने कुछ ऐसे ही बना दिया उसके लिए हल्का सा। तो इसको स्कूल भेजते हैं और फिर अपना काम शुरू करते हैं। और अभी स्कूल चला गया है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ भिंडी और पराठा, तो उसके लिए मैं भिंडी को काट रही हूँ। भिंडी और पराठा बनाएंगे, वो ये लेके जाएंगे टिफ़िन। तो ऐसे ही हो जाता है सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा, अभी का टिफ़िन बनाओ फिर इनका बनाओ, फिर नाश्ता अगर कुछ करना होता है तो वो भी बनाना पड़ता है, तो सुबह सुबह हमारे बहुत काम हो जाते हैं करने के लिए। तो चलिए फटाफट से भिंडी को काटते हैं और इसको बनाते हैं। भिंडी को काट लिया है मैंने और चलिए इसको बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं उसके लिए आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक पैन को गरम किया, उसमें डाला है मैंने ऑयल, ऑयल गरम हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज। प्याज को मैंने लंबा काट के रखा है तो प्याज डाल देंगे। देखिए ये प्याज काट लिया, और हरा मिर्च भी मैंने भिंडी के साथ ही काट दी थी क्योंकि भिंडी में जो हरी मिर्च होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। और ऑयल गरम हो जाएगा उसके बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज और फिर इसको हल्का सा भून लेंगे। और ये सिंपल तरीके से मैं भिंडी बनाती हूँ तो काफ़ी अच्छी लगती है। टमाटर मैं इसमें नहीं डालती हूँ, बहुत सारी सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिसमें मैं टमाटर नहीं डालती हूँ। क्या होता है ना, अगर हम प्याज टमाटर दोनों को डाल देते हैं तो सारी सब्जियों का स्वाद है ना जो एक जैसा मुझे लगने लगता है, तो मैं कई सब्जियों में टमाटर नहीं डालती। जैसे मैं भिंडी में नहीं डालती हूँ टमाटर, और तोरे में भी नहीं डालती हूँ टमाटर, कोफ्ते में भी मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, मुझे कोफ्ते में टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो मैं नहीं डालती हूँ उसमें। देखिए प्याज हमारा भुन गया, तो उसमें मैंने डाला है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है। इसको अच्छे से भून लेंगे और फिर इसमें कटी हुई भिंडी डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर इसको ढककर पका लें, और ढककर इसको बीच बीच में चलाते भी रहेंगे जिससे भिंडी जो है हमारी जल्दी गल जाएगी। तो और पानी बस थोड़ा सा डालें, कुछ बूंदे ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से क्या होता है ना, भिंडी जो है इसमें लेस जैसा हो जाता है तो अजीब सी लगती है फिर खाने में ना, गिली अजीब सी लगती है मुझे। तो मैं इसमें बहुत ही हल्का सा पानी डालती हूँ जिससे बस ये हल्की सी बस गीली सी हो जाए, बस उतना, बस कुछ ही बूंदे डालती हूँ, कहते हैं एक दो चम्मच ही, इससे ज़्यादा नहीं। देख बस इतना सा डाला मैंने, एक से दो चम्मच बस इस डाला, इसको ढक देंगे और अच्छे से इसको पकने देंगे। ना के बराबर ही पानी डाला है, ज़्यादा कुछ नहीं मुझे अच्छा लगता पानी इसमें। तो इसको ढक दिया है मैंने, यहाँ पर मैं आटा गूंथ के रख लेती हूँ। इनको देना है भिंडी पराठा टिफ़िन में। तो और सुबह का जो हमारा टाइम होता है ना, ज़्यादातर किचन में ही जाता है। सुबह सुबह मैं डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ, तो नहा धो के मतलब किचन में आ जाती हूँ। उसके बाद किचन में मैं इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है कि निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ये भी नहीं होता कि किसी का फ़ोन आया है तो हम उससे बात भी कर ले, फिर लगता है चलो बाद में ही करेंगे सारे काम, तो किचन का काम मैं पहले ख़त्म करती हूँ। और यहाँ पर मैं आटा गूंथ के रख देती हूँ, और आपको हमारे ज़्यादातर ब्लॉग जो हैं वो किचन से ही मिलते हैं ना,
क्योंकि हम लोगों का ज़्यादा टाइम किचन में ही होता है, तो किचन से ही हमारा ब्लॉग स्टार्ट होता है और कभी कभी ख़त्म भी हो जाता है किचन पर ही। यहाँ पर मैंने दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया था, दूध गर्म हो गया है और दूध में उबाल आ रहा था, तो मैंने इसके अंदर चम्मच डाल दी जिससे दूध बाहर ना निकल पाए, तो मैंने इसके अंदर चम्मच डाल दिया, तो ये धीरे धीरे उबलता रहेगा अपना। तो चलो अभी मुझे किचन से मिल गया है थोड़ा सा छुटकारा, तो अभी मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ मोबाइल लेके, क्योंकि ये फ़ोन में कुछ सेटिंग वगैरह करनी थी, तो मैं बैठ गई हूँ इसको लेके और इसमें कुछ थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं हम। कुछ मेल्स वगैरह हैं वो मुझे इसमें डालनी थी, सब करना था, तो मैंने कहा चलो ये वाला काम कर लेते हैं, फिर और काम में लग जाएंगे तो फिर ये हम अपना ज़रूरी काम नहीं कर पाएंगे, तो इसको मैं करती हूँ उसके। अच्छे से लगाऊंगी, जितना भी मेरा एक्शन है उसको मैं ठीक से करूंगी, क्योंकि जब भी हम लगा के जाते हैं ना तो बाहर से आते हैं चुस्पी उतार के ऐसे रख देते, तो वो मेरा टूट जाता है, बहुत टूटते हैं उससे। फिर मैं इनसे बोलती हूँ चश्मा ला दो, कहती कितना लेती हो तुम, तो चलिए दिखाते हैं आपको, क्लिक करके अपने अपना ये कलेक्शन दिखाते हैं। ये वाला है, देखा होगा है ना, ये अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये वाला। और जब हम लोग पिछली बार जब हम लोग शिमला गए थे तो वहां पर मेरे दो चश्मे खो गए थे बर्फ में, एक पिंक कलर का था वो मेरा फेवरेट था, बहुत पसंद था मुझे, वो मेरा खो गया था। और फिर मैंने दोबारा वैसा बहुत ढूंढा मुझे नहीं मिला। एक ये है ब्लू, और रेड वाला भी आपने देखा होगा बीच पर मैंने लगाया था, वो भी मेरा वही पर रह गया, वो भी खो गया, अब ज्यादा नहीं बचे है, थोड़े बहुत है। ये ब्लू है, बहुत खोता है मुझे। और ये ब्लैक, जब मैं अभी को स्कूल लेने जाती हूँ तब मैं ये ब्लैक ही लगा के आती हूँ, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा होती है, धूप में जो ब्लैक होता है ना वो ठीक लगता है, तो मैं ये वाला ब्लैक वाला स्कूल जाती हूँ तब लगा के जाती हूँ। ये है ब्लू, कौन सा अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर सबसे ज्यादा, कौन सा अच्छा लगा आपको मेरे ऊपर? अब गर्मी देखिए कितनी है, पसीना पूरे में आ रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, इनको मैं अच्छे से पूरा लगा देती हूँ, नहीं तो पता चले एक दो फिर से टूट गए, बहुत टूटता है मुझे।
अच्छे से रख दीजिए। फ्रेंड्स, हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हम खूब सारा प्यार दीजिए। जल्दी मिलते हैं आपसे, और इसको बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि अभी मुझे जाना होगा अभी को लेने के लिए, तो इसको मैं लगा के जाऊँगी। और एक और था ब्लैक, मुझे लग रहा है वो ये वाला, ये उठा लेते हैं इसको, इसको मैं बाहर रख देती हूँ, रुक जाएंगे तो अभी को लेने, तो इसी को लगा के जाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।